हेलो एवरीवन। देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज़ कितना दिया हुआ है, 1.52। देखो ये जैसे क्राउन ग्लास दिया हुआ है, ऐसे फ्लिंट ग्लास भी होते हैं, ठीक है, तो ग्लास के टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो 1.52 दिया हुआ है, और जैसे नॉर्मल हम ग्लास बोलते हैं तो उसका 1.5 लेते हैं, ये वेरी करते हैं क्राउन ग्लास फ्लिंट ग्लास इस तरीके से, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम। सबसे पहले जो दिया उसने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि एन जी, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सिंपल यहाँ रखते हैं इस तरीके से, ये कितना है हमारे पास 1.52 है। और एल्कोहल का दिया हुआ है, एल्कोहल का दिया हुआ है कितना, 1.36 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है क्राउन ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसको, एन जी अपॉन में एन एल्कोहल, यही होता है फॉर्मूला, याद है। अगर वेलोसिटीज दी होती तो ऊपर लिखते हैं हम स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अल्कोहल और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से आते हैं, एन जी ये आएगा और ये एन अल्कोहल इधर आएगा, समझ रहे हो। ये सब करवाए हुए हैं आपको टॉपिक, ठीक है, तो आप पीछे देख लेना वीडियोज़ में जिनको नहीं पता है थ्योरी क्या है, ठीक। तो ये आपके पास आ गया, एन जी कितना आ गया 1.52 और ये एन अल्कोहल 1.36। इधर देखो ये 1.52 का 100 लगेगा, इधर 1.36 का पॉइंट हटेगा तो 100 लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये देखो ये चले जाएंगे आपके पास 2 पे, 2 7 14 और 2 6 12, समझ रहे हो, एंड 2 6 12 एंड 2 8 16, फिर अगेन 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, फिर अगेन 2 1 2 9 18, 2 1 2 7 19 बाय 17 आ गया ये आपके पास। तो देखो 19 बाय 17 को डिवाइड कर लो, 17 1 17, और ये आपके पास यहाँ आ गया, कितना बचेगा यहाँ से 2, फिर 0 लगेगी तो पॉइंट लगेगा, फिर अगेन 17 1 17, और फिर ये कितना आया आपके पास 3, और फिर 0 एंड 17 2 34 होता है, तो ये 1 पे ही जाएगा, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 17, समझ रहे हो। और ये 3 आएगा फिर अगेन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ये 1 आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपके पास, एक 0 यहाँ आएगी तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो ये 130 आया, ठीक है। अब 130 के लिए देखो करो, ये 7 पे चला जाएगा, 17 7 सा कितने होंगे आपके पास, 17 7 119, और यहाँ से कितने बचेंगे आपके पास, ये 119 मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर कितना बचेगा, ये 10 में से 9 1 और 2 में से 1 गया 1 11, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया आपके पास कितना, 1.117, और इसको राउंड ऑफ करो ज़रा, कितना बनेगा ये 1.1 और 7 है इधर, तो ये 1 हम बढ़ा सकते हैं, क्यों, 5 से बड़ी है वैल्यू ये वाली, तो ये 1.2 बन जाएगा, 1.12, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, और इसके भी कोई यूनिट नहीं होंगे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट होते ही नहीं है, क्लियर है, इतनी बात बताओ, आया समझ में ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।